नमस्कार, मैं हूं मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। नोकिया जब से HMD के साथ में आया है काफ़ी सारे फ़ोन लॉन्च किए हैं, लेकिन नोकिया X6 को छोड़कर कोई भी फ़ोन बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आ पाया, क्योंकि उनकी डिज़ाइन ही कुछ नॉर्मल से होते थे। जो पुराने डिज़ाइन हम देखते आ रहे हैं वैसे ही हमको देखने को मिल रहे थे, कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन नोकिया X6 जब से लॉन्च हुआ है तब से नोकिया फिर से सुर्खियों में आ गया है, और ऐसा ही एक बार और फिर से होने वाला है, क्योंकि कुछ लीक निकल के आई हैं नोकिया के लेटेस्ट फ़ोन नोकिया 5.1 प्लस के लिए। काफ़ी अजीब सा नाम है लेकिन फ़ोन काफ़ी धांसू होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी फ़ोन के बारे में, और अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में और ज़्यादा तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक हुए हैं और कुछ रेंडर भी हमारे सामने आए हैं नोकिया 5.1 प्लस के लिए, जो कि हमें ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है नोकिया X6 जैसा, जो कि हाल ही में चाइना में लॉन्च हुआ था। और कुछ लीक्स तो ऐसा भी बताते हैं कि ये रिप्लेसमेंट हो सकता है नोकिया X6 का एशियन और यूरोप मार्केट में, क्योंकि नोकिया X6 को सिर्फ चाइना में ही लॉन्च किया गया था और इसका ग्लोबल वर्जन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो कुछ लीक्स का कहना यह है कि नोकिया X6 की जगह आपको नोकिया 5.1 प्लस देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में कि क्या क्या लीक्स सामने आई हैं। सबसे पहले बात करें डिज़ाइन की, तो इन रेंडर से आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन हमें ऑलमोस्ट वैसा ही देखने को मिल रहा है जो कि हमने देखा था नोकिया X6 में, बल्कि अगर हम बात करते हैं बैक डिज़ाइन की तो वो एग्जैक्टली सेम हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है ग्लास फिनिश के साथ में बैक डिज़ाइन, ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप है जो कि है वर्टिकल शेप में, और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है नीचे की तरफ। और अगर हम बात करते हैं फ्रंट साइड की तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अलग है जो हमने देखा था नोकिया X6 मीन्स, वहाँ पे हमको देखने को मिल रहे थे कर्व एजेस, जबकि यहाँ पे स्क्वायर शेप दिया गया है, तो थोड़ा सा अलग मिल रहा है, लेकिन डिज़ाइन नो डाउट बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की तो ये फ़ोन भी होने वाला है मेटल प्लस ग्लास के कॉम्बिनेशन के साथ में, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, और वैसा हम नोकिया X6 में देख चुके हैं। बात करें डिस्प्ले की तो यह फ़ोन आपको मिलेगा 5.7 इंचेस के फुल HD IP डिस्प्ले के साथ में, और यह फ़ोन भी आपको मिलेगा 19:9 स्क्रीन रेशियो के साथ में, क्योंकि यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है नॉच वाला डिस्प्ले जो कि हम नोकिया के X6 में देख चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कुछ लीक्स ये कहते हैं कि इस फ़ोन में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 636 चिपसेट, लेकिन कुछ लीक्स ये कंफर्म करते हैं कि इस फ़ोन में आपको मिलेगा MediaTek का हीलियो P23 का चिपसेट। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि नोकिया स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ में ही जाएगा, तो इसीलिए आपको मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 636 इस फ़ोन में। और अगर हम बात करते हैं रैम वेरिएंट की तो यहाँ पे लॉन्च हो सकते हैं दो वेरिएंट, 3GB रैम और 4GB। स्टोरेज कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि 3GB के साथ में आपको 32GB का स्टोरेज मिल जाए और 4GB रैम के साथ में 64GB का स्टोरेज मिल जाए। जहाँ तक हमने देखा था नोकिया X6 में वहाँ हमें देखने को मिले थे 3 वेरिएंट, 4GB रैम 32GB स्टोरेज, 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 64GB स्टोरेज का वेरिएंट। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3GB और 4GB रैम तक ही ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं कैमरास की तो बताया जा रहा है कि इस फ़ोन में आपको मिलेगा 16+8 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा। बैटरी भी 3060mAh की बताई जा रही है जो कि हमने देखी थी नोकिया के X6 में, तो ऑलमोस्ट फ़ोन वैसा ही हमको देखने को मिल रहा है नोकिया X6 जैसा हमने देखा था। तो हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट में या फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि एशियन या यूरोपियन मार्केट में नोकिया X6 की जगह आपको देखने को मिल जाए नोकिया 5.1 प्लस, लेकिन अगर ये फ़ोन स्नैपड्रैगन के 636 के साथ में आता है तो ही ये कमाल कर पाएगा। अगर ये आया MediaTek का हीलियो P23 या P22 के साथ में तो फिर वैसे ही फ़ोन रह जाएंगे जैसा कि नोकिया के पहले वाले फ़ोन यहाँ पे पड़े हैं, वैसे ही इस फ़ोन का भी होना है। लेकिन अगर ये आता है स्नैपड्रैगन के 636 के साथ में तो नो डाउट जैसा डिमांड क्रिएट किया है नोकिया X6 ने वैसा ही कमाल ये भी कर सकता है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट नोकिया 5.1 प्लस के लिए। हालांकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक लीक नहीं हुई है, लेकिन जब भी इसकी इन्फॉर्मेशन हमको और मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर देते हैं आपको कई सारी लीक्स की इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोज देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है कोई सवाल या सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।